हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले प्लीज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे व्लॉग का, और मेरा व्लॉग फुल वॉच करें क्योंकि हमें आपका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। और आज का व्लॉग है हमारा रहीमिया खान टू टंडा विलेज। टंडा में हमारा विलेज है, टंडा सुहाय खान में। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ, अभी मैं होने लगी हूँ रेडी। अभी देखो मैं कौन से कपड़े वगैरह पहनती हूँ, क्योंकि हम शलवार कमीज वहाँ जाके पहनेंगे, पहन के जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम गाँव जा रहे हैं। गाँव में पैंट शर्ट पहन के पहले जाती थी, बट अभी हमें व्लॉग बनाना है और वीडियोज़ बनानी है, बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को एंटरटेन करना है। तो हमारा व्लॉग देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। बहुत लेट हो गया है क्योंकि अब बज रहे हैं 2 बजे, हम लोग जाएंगे और पता नहीं कितने बजे वापस आएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात के धूप नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, और व्लॉग भी नहीं अच्छा बनेगा, वीडियोस भी नहीं अच्छा बनेगी, पता नहीं क्या होगा ना, पिक्स अच्छी बनेंगी। मैंने इनको कहा था कि हम सुबह सुबह चलेंगे लाइक 5-6 बजे तक, तो मैं सोई हुई थी, इन लोगों में से किसी ने मुझे उठाया नहीं। और फिर जब मैं उठी हूँ 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद नाश्ता वगैरह करते करते इतना लेट हो गया कि बज रहे हैं 2। मम्मा गई हैं क्योंकि हमारे घर में अली अली एक छोटी सी प्यारी सी, समझ जाओ ठीक है, वो सरप्राइज़ है, वो बाद में दिखाएंगे क्या है क्या नहीं। कुछ दिन वेट के बाद बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ मेरा व्लॉग देखते रह करिए, मज़े करते रहिए, इंजॉय करते रहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन तैयार हो गया है। तुम नहीं जा रहे, कितना बुरा लग रहा है गाइस ये, हर्ष तुम जा रहे हो, कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा ओके गाइस, बुग्गा कहाँ पे है, बुग्गे का तो पता नहीं है। और हसन अभी मोबाइल यूज कर रहा है, घूम फिर रही है घर में, और ये कपड़े इससे कर रही है, इसका फेस नहीं आया तो अच्छी बात है, इसका फेस लेके भी नहीं आना। तो जल्दी करो ना, फिर आगे है। और अब हम जाने लगे हैं गांव, और बुग्गा का बुग्गे बुग्गे किसको देख रहे थे भाई। हर टाइम गुस्से में आते हैं, इसलिए मम्मा ने पहला मेरा व्लॉग का पार्ट खराब कर दिया है। अब मम्मा को बाजार से लेने आए थे। गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, चैनल तो ये सुमी डॉल का है, हम कभी कभी आपको नजर आ जाते हैं। तो आज हम आए जी गांव, ये है जी पीनो, वो है चीनो, और वो है क्या नाम रखे इसका, कालो कालो, ये बड़ी कालो, ये लग रही है ना इसकी बहन। हाय लेडीज, मुझे तो इनसे भी बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए बहुत छोटे दिखता हूँ। वो देखो छोटी वाली बकरी आगे जा रही है। हेलो हाय गाइस, ये है मेरे दोस्त, और हम आए इनसे मिलने आज इतने दिनों बाद। आप लोग ने मेरा पहला जो गाँव व्लॉग देखा था, तो उसमें भी हम इस जगह पे आए थे, हम लोग ने बहुत ज्यादा सी चीजें की थी, यहाँ से गोबर वगैरह उठाया था। तो आज तो मेरा कोई दिन नहीं है गोबर
हाय पीनो डरगी डरगी पीनो मस्त गई है जी। पीनो आप हमारे पीछे ना आना, छोटी सी पीनो जा रही है वो देख भागी भागी। वालेकुम सलाम। ओके सुमित्रा जा रही है, ये हमारा ये गांव के बच्चे है, कुछ ऐसे ही होते हैं। ओए ओए नंगू, ओए नंगे, मेरे दोस्तों के ऐसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे नंगे नंगे। ओए नंगे, ओए नंगे। सुमित डॉल जा रही है आगे आगे। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव। गांव की एक लाइफ ही बड़ी यार अलग होती है, मजे की होती है। ये छीनो छीनो मिल गई छीनो, वो छीदा, ये पीनो नीनो कीनो सारी उठ गई, ये कुट गई जी। हेलो हेलो ओए हाय, कहते ये जा रहे हैं हमें बताएंगे साथ साथ कुछ चीज़ें क्या क्या होता है गांव में। हाय तो जा रहे हैं आगे आगे तो हमें बताएंगे। हाय वे डरते क्यों हो, सर्दियां पहले हम आए थे गर्मियों में, तो देखते हैं इस दफा गांव में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या यहाँ से। पिछले बार तो हमने मिर्चे तोड़ी थी, नींबू तोड़े थे, बहुत कुछ किया था। इस दफा देखते हैं क्या क्या है इधर लगा हुआ। तोड़ना तोड़ना तो कुछ भी नहीं है, मैंने ये खाने के लिए खा लो गोबर। तो अब हम लोग जा रहे हैं ट्राली के पास, ट्राली पे हैं गन्ने, तो मुझे उसके ऊपर बैठ के बनानी है वीडियो, तो उसके ऊपर साउंड हम बाद में लगा लेंगे क्योंकि विलेज के तो बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं। तो अभी ये देखो गाइस मेरे साथ आत्माएं भी आई हुई है, काले काले गोल वाली। सो क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ जो सोशल मीडिया पे हूँ, इसलिए बाकी कोई आता ही नहीं है। यहाँ से हम गिर रहे हैं बार बार चलते चलते। वो गन्ने लगे हुए हैं ना, वो गन्ने हैं ना, हैं गन्ने हैं ना, वो गन्ने लगे हुए हैं और गन्ने लोड भी हो रहे हैं। अब हम इसके आगे वाले ट्रैक्टर ट्राली पे जाके बैठ के वीडियो बनाऊंगे। सुमी डोल ये सब कुछ उठा के दिखाएंगे, चलो सुमी डोल हो जाए शुरू। ये जाएगा मिल में और मिल भी यहाँ पे है ना, जाकरपुर के पास हमारे पास है उधर मिल, और ये सारे गन्ने जाते हैं उधर उधर बनती है चीनी। वो लोग जा रहे हैं ट्रॉली लेकर और मैं आई थी वीडियो बनाने से, आगे से उसकी बिलिंग उठी हुई है। ओह माय गॉड उल्टा जा रहा है, अगर ये उल्ट गया तो काला धुआं मार रहा है बेचारे के ऊपर, इतना वजन है पता नहीं कैसे लेके जाते हैं। गाइस सुमी डोल आई थी जी ट्रॉली पे पिक वीडियो बनाने, और ये गन्ना नहीं है ये बहुत हल्का है, ये कुछ और है गन्ने सुखड़ गए हैं मेरी तरह, वो पड़े हैं अच्छे वाले सामने। गाइस गन्ने पड़े हैं, आप लोग गन्ने खा लो मेरे पास आके, गन्ने आए गाइस गन्ने खा लेंगे गन्ने। मेरे पाँव गाइस गन्ना खा लो, ये गन्ना तेरा है, चल बस चल। तो नहीं लगे गन्ना उड़ जाएगा, ओए हाय देखो आज गन्ना टूटता कि सुमी डोल टूटती। वाह वाह सुमी डोल ने कुछ किया, थोड़ा नहीं टूटा। तोड़ लिया जी सुमी डोल, वाह वाह सुमी डोल ने गन्ना तोड़ लिया। डॉल गर्मी से बेढाल निढाल बेढाल खडाल जो भी होता है वो होकर जा रही हैं वापस के वहाँ जाके पिक वीडियो ब्लॉग बनाएंगे, और वो थक हार गई। प्यास लगे हुए हैं और ये लगते हैं जमीन के अंदर, ये कैसे लगते हैं, क्या लगते हैं इसके अंदर बीज? नहीं नहीं ये पंजीरी होती है, ऐसे होती है, ऐसी कोई चीज होती है, वो जमीन के अंदर दबा देते हैं और फिर लग जाता है प्याज। ये अभी बन रहे हैं प्याज, और हम आपको ये देखो गाइस किसी की बहुत ही पड़ी है साइड पे प्याज है और एक साइड पे गंदम है, जिससे हम खाते हैं आटा, बनता है आटा और हम खाते हैं रोटी। मेरे सर को गर्मी चढ़ गई है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और इसके अंदर होती है गंदम है ना, इसके अंदर बीज लगे हैं
और इसके अंदर होती है गंदम की रोटी, खाने से सेहत बनती है जो कि हमारी नहीं बन सकती क्योंकि हम लोग खाते हैं चिट्टा आटा क्योंकि गंदम की रोटी अच्छी नहीं लगती काली काली। तो अभी देखो क्या क्या होता है। वीडियो बनाने के लिए और जब मैं अप एंड डाउन करती हूँ तो ड्रग्स हिल रहा है गाइस। ये वीडियोस बना रहे हैं और मम्मा वहाँ पे नींबू तोड़ रही हैं। मैं मम्मा के पास जाती हूँ और फिर आके वीडियोस बनाती हूँ जल्दी जल्दी ऐसे 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 2x हो गया था गाइस कैमरा इधर से ऐसे ऐसे। ये प्याज लगे हुए मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना, ये प्याजों से होकर मैं जा रही हूँ मम्मा के पास। मम्मा तोड़ रही हैं नींबू। आप लोगों को पता है ना गांव में तो हर चीज़ देसी होती है तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ मम्मा के पास। तो मम्मा तोड़ने आई है नींबू। मम्मा क्या कर रही हो? नींबू तोड़ रही हूँ भाई, मैं इसका रस बना के रखूँगी फ्रीजर में। हाँ क्योंकि गर्मी आने वाली है। और ये देखो मम्मा ने कितने ज़्यादा नींबू तोड़ भी लिया अभी तो गाइस मम्मा नींबू तोड़ रही है। नींबू बहुत पीले पीले हैं, जब हम सर्दियों में आए थे तब तो कच्चे कच्चे थे ग्रीन ग्रीन कलर के। ये देख इधर है ना, मिसले इधर है सर, ये डंडे से ही थे टूट जाते हैं डंडा मारे तो। उनको कहना तोड़ दे वो बेचारी। एक शलजम इसके पत्ते हो रहे हैं पर्पल कलर के। मैं आप लोगों को एक शलजम भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा नजर आ रहा है इधर से। ये देखिए ये शलजम तैयार हो रहा है, थोड़ा सा छोटा सा है पर ये तैयार हो रहा है। और वो लगा हुआ है सरसों का साग होता है, पता नहीं किसका जो भी होता है क्योंकि हमारे साथ अब गाँव वाला को तो कोई भी नहीं है। हम यस ये सरसों का साग, तेल सरसों का यहाँ से बनता होगा कुछ। तो गाइस ये सरसों का साग अब हो गया है। यहाँ की तो सब चीज़ें होगी, नींबू भी तोड़ लिया है, गन्ने भी दिखा दिए, सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया है। जो लोग गांव के लोग मेरा व्लॉग देखते होंगे उनको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा कि उनकी सारी हम चीज़ें बता रहे हैं। तो मुझे सब बहुत अच्छा लगता है यहाँ के आके क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे मतलब जो रहता होगा उसकी सेहत बहुत अच्छी होगी, वो कभी बीमार नहीं हो सकता क्योंकि देसी चीज़ें होती हैं हम लोग खाते हैं ब्रायलर बर्गर गंदे गंदे। इवन घर में कह रही मैं काली लग रही हूँ क्योंकि मैं धूप के ऊपर नेट पीस लिए। तो अभी देखिए क्या क्या होता है क्या यहाँ पे इनका कुछ करना हुआ है, पता नहीं क्या खाद वगैरह आई थिंक यही भैंसों को देते हैं। तो मुर्गियाँ देखो गाइस क्या कर रही हैं, अल्लाह पता चले सारी मेरे ऊपर पड़ जाओ। वो देखो ना कहाँ गई, मैं अंदर सारी पड़ गई मुझे, तो मैं क्या करूँगी। वो देखो कैसे भाग रही हैं, दुल्हन बैठी है और मम्मा खा रही है गन्ना, देख लो कैसे खा रही। मुझे तो खाने नहीं आता ना ही मैं खाती हूँ क्योंकि मेरे दांत बहुत कमजोर हैं बेचारे। हम जा रहे हैं बाइक पे दूसरे घर और पूरा गांव दिखा दूंगा इसमें आप लोगों को। खोता भी खड़ा है, खोता भी खाना खा रहा है। अच्छा मुल्क में आ गई देखो इसकी शक्ल, बीमार है बेचारा मुझे लगता है। देखो ये खड़े हैं गाइस, ये बैडा है 2 लाख का, बड़ी ईद आने वाली है आगे तो आप लोग यहाँ से आके परचेज कर सकते हो। ये देखो छोटी छोटी गाय ना, मुझे डर लगता है छोटा सा भाई, वो जो छोटा सा बैडा खड़ा है उसकी नस्ल ऐसी है, वो है 2-3 लाख का। देखो कितने छोटे छोटे खड़े गुलाबी है, उसको मुंह गुलाबी है, कान उसके जो वाइट वाले भी बने। देखिए गाइस उसकी नस्ल ऐसी है, देखो उसका फेस कैसा है, मुंह कैसे है, कान कैसे हैं। और ये खड़ा है डंगर, कितना प्यारा है गाइस। ये सारे जानवर हैं, जानवर डॉल चलाने लगी जी ट्रैक्टर। हाँ जैसे आने के ये आगे तो नहीं जाएगा, नहीं खड़ा रहेगा कुछ आगे तो नहीं थे। हम गाँव में
ये लोग करते हैं रोटी वगैरह बनाते हैं और जंगल में मेरी बहन कह रही है तुम यहाँ बंद हो मैं तुम्हारा ब्लॉग बनाती हूँ मतलब हाथी ब्लॉग है। तो गाइस यहाँ पे आ गए हम इनके जानवर भी थोड़े से इनके जानवरों की चोरी भी हो गई थी पहले तो यहाँ पे कुत्ता भी भौंक रहा पता नहीं किधर बैठा हुआ खोता वो बैठा हुआ अंडे वो देखो कैसे वीडियो बनाने के लिए आ रहे हैं आ गए वीडियो बना लो मैं वीडियो बना लो नीचे आप मान लो वो बैठा हुआ टोकी इन लोगों को पता नहीं क्या डाला इनकी बहुत ज्यादा स्मेल आती है ये हो रहे हैं कबूतर इनमें से पकड़ू एक अगर तो मेरे हाथ में तुम्हें डॉल अमरूद खा रही है अब हो रही है शाम और हम क्या टाइम हो रहा है शाम के 6-7 बजने वाले हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है अभी हम सारे भाई बैठे हुए गाइस घर पहुंचे और चाबी भाई के पास है और भाई चला गया कहीं और घर का लगा ताला और हमारे पास कोई चाबी भी नहीं है मम्मा का गुस्सा फुल हाय। फाइनली गाइस आई एम बैक टू होम तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बताइए हमारा व्लॉग कैसा बना आप लोगों को मजा आया कि नहीं कमेंट करके।